इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में, जहां पे 4.5% का गिरावट शेयर में अभी टाइम में देखने को मिल रहा है, जो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन था इसमें 25 अक्टूबर को। अब बात करें यहां पे अगले ट्रेडिंग सेशन में किस लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हो, कहां पे अगर गिरावट होता है तो किस लेवल पर ध्यान दीजिएगा, अगर तेजी होता है तो किस लेवल पर ध्यान दीजिएगा। एक एक करके इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल्स के बारे में, अगले ट्रेडिंग सेशन के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए, एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। 4.50% की गिरावट यहाँ पे रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 1.86% की गिरावट, और पिछले 1 महीने में 8.98% की गिरावट, और पिछले 6 महीने में 21% से ऊपर की गिरावट नज़र आ रहा है हमें, 21.56%। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इंडियन मार्केट के ऊपर अगर हम जाएं यहाँ पे तो निफ्टी 50 में 0.90% की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। सेंसेक्स 0.83% और बैंक निफ्टी 1.44% और निफ्टी आईटी 0.24%। S&P BSE स्मॉल कैप की अगर हम बात करेंगे तो 1300 पॉइंट से ऊपर की गिरावट नजर आया है 2.24% की। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे ATGL में, तो आप देखेंगे 4.5% की गिरावट यहाँ पे, और रिसेंट परफॉर्मेंस क्या रहा, जितना क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड होते हुए हमें दिखा उसमें से 19.38% क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी रहा, जो कि डिलीवरी में हमें बाइंग देखने को मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बारे में। बाकी आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस बार डिलीवरी परसेंटेज हमें काफ़ी कम देखने को मिला है, अकॉर्डिंग टू पहले के अगर हम कंपेयर करेंगे तो 35% 40% से 50% के आसपास ऐसा देखने को मिलता था। 19.38% रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है डिलीवरी परसेंटेज। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम के ऊपर कि पिछले कुछ दिन का वॉल्यूम क्या नज़र आया है और डिलीवरी परसेंटेज भी क्या नज़र आया है उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे जो रिसेंट ट्रेडिंग सेशन था इसमें कितना आज भी मतलब यहाँ पे देखने को मिला है हमें। और बात करें पहले का यहाँ पे तो वन यस्टरडे का अगर हम बात करेंगे तो इस उसके एक दिन पहले का तो 34 लाख के वॉल्यूम में 5 लाख डिलीवरी उठाया गया, और 1 वीक के एवरेज में 14 लाख के वॉल्यूम में देखेंगे यहाँ पे 3 लाख डिलीवरी उठाया गया, और 1 मंथ के एवरेज में 8 लाख के वॉल्यूम में 2 लाख का डिलीवरी उठाया गया 30% से ऊपर। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट की अगर हम बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 40% लोग कह रहे हैं भाई 40% लोग कह रहे हैं होल्ड, और 20% लोग कह रहे हैं सेल। अब इसके ऊपर बेस करके आपका क्या ओपिनियन है, 40% बाई 40% होल्ड और 20% सेल, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा फंडामेंटल बेसिस पे अगर हम जाएंगे तो भी आप देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल बेसिस पे क्या नज़र आ रहा है। कंपनी के ऊपर जो डेट है यानी कर्ज है 1471.49 करोड़ का, और कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है 452.03 करोड़ का। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स बन रहा है उसके बारे में। अगर और भी गिरावट यहाँ पे नज़र आता है तो फिर किस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा गिरावट होता है तो। सबसे पहला जो लेवल यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें अगर गिरावट यहाँ पे निकल गया था तो 714 का 714 का लेवल, और इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल भी यहाँ पे बनता है वो नज़र आ रहा है 706 के आसपास, और उसके बाद लास्ट में एक लेवल है जो कि आप ध्यान दीजिएगा 695। डाउन साइड में कुछ 3 लेवल आप ध्यान दीजिएगा, बात करें अपसाइड के लिए तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा 728, इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा कुछ कितने का रहेगा 750 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स आने वाले ट्रेडिंग सेशन में, गिरावट होता है तो डाउन साइड में, तेजी होता है तो अपसाइड में ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम बात करेंगे 15 मिनट चार्ट फ्रेम पे यहाँ पे MACD क्या कह रहा है, तो MACD में आप देखेंगे कि एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि नीचे के लेवल से थोड़ा एक छोटा सा क्रॉस ओवर टाइप का हमें दिख रहा है, आप देखेंगे मतलब एकदम थोड़ा सा क्रॉस ओवर किया है नीचे से ऊपर की तरफ। बाकी जो बड़ा क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे देखने को मिला है रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में वो बियरिश ही देखने को मिला है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है इस रेड लाइन को तो होता है बियरिश क्रॉस ओवर, जहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर गिरावट के चांसेज होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब ये ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की तरफ कट करता है रेड लाइन को तो ये बियरिश क्रॉस ओवर है जहाँ पे गिरावट के चांसेस, और यहाँ पे गिरावट भी यहाँ पे हुआ है, और अब नीचे से ऊपर की तरफ कट करेगा तो यहाँ पे तेज़ी होता है, तेज़ी के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग हमें देखने को मिल रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, देखते हैं कि अगले ट्रेडिंग सेशन में इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है या फिर नीचे आते हुए दिखता है, हमें वो देखने लायक होगा। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट।